क्वेश्चन है, व्हाई इज द मिक्सचर ऑफ फिनॉल एंड एनिलीन सो निगेटिव डिविएशन। तो देखिए भाई, ऐसे हम लोग जानते हैं कि फिनॉल में हाइड्रोजन बॉन्ड रहता है, अलग रहेगा, सेपरेट रहेगा, तो और एनिलीन में भी हाइड्रोजन बॉन्ड रहेगा क्योंकि फिनॉल में OH ग्रुप है, ये हमने कहा होगा फिनॉल। ये हम लोग का हो गया एनिलीन, ठीक है। ये दोनों सेपरेट सेपरेट रहता है, तो इसमें भी हाइड्रोजन बॉन्ड रहता है, इसमें भी हाइड्रोजन बॉन्ड रहता है, लेकिन जब दोनों को आपस में मिक्स कर दिया जाता है, फिनॉल और एनिलीन को, तो क्या होता है, क्या होता है, यह होता है कि जो फिनॉल, जो ये फिनॉल हो गया, ठीक है, इसका प्रोटॉन H एंड जो एनिलीन होता है उसके नाइट्रोजन पे लोन पेयर रहता है, लोन पेयर, ठीक है, ये दोनों आपस में कॉम्बिनेशन करके बॉन्ड बना लेते हैं। तो यह जो बॉन्ड बनता है वो हाइड्रोजन बॉन्ड से स्ट्रांग होता है। तो हाइड्रोजन बॉन्ड से स्ट्रांग होने के कारण क्या होगा कि अब दोनों के जो मिक्सचर का वेपर जो है वो पहले सेपरेट था तो ज़्यादा बनता था, अब कम बनेगा, और कम बनने के कारण वो निगेटिव डेविएशन शो करेगा। समझ में आया? पहली बात ही क्वेश्चन ये है कि फिनॉल और एनिलीन के मिक्सचर निगेटिव डेविएशन शो क्यों करता है? तो यह निगेटिव डेविएशन शो इसलिए करता है क्योंकि जो पहले से तो हाइड्रोजन बॉन्ड था, और हाइड्रोजन बॉन्ड जो होता है वीकर बॉन्ड होता है, लेकिन जब दोनों को आपस में मिला दिया जाए तो अब हाइड्रोजन बॉन्ड के अलावा कौन सा बॉन्ड, इसका प्रोटॉन फिनॉल का, इसको कहते हैं फिनॉल, PHENOL फिनॉल, इसको कहेंगे एनिलीन। तो फिनॉल का प्रोटॉन और ये जो नाइट्रोजन है इस पे जो लोन पेयर है ये दोनों आपस में बॉन्ड बना लेते हैं। ये बॉन्ड जो होता है हाइड्रोजन बॉन्ड से स्ट्रांग बॉन्ड होता है, और स्ट्रांग बॉन्ड होने के कारण वेपर कम बनेगा, वेपर कम बनेगा तो निगेटिव डिविएशन शो करेगा। थैंक यू।